क्या आप भी सोनीपत जैसी डेवलपिंग लोकेशन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको खुद के दीनदयाल जनवास योजना के अंतर्गत के प्लॉट्स मिलते हैं? ये बेसिकली जो आज हम लोग आ चुके हैं गोदरेज के तरफ से आ चुके हैं, जो आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं, बेसिकली आज जो हम प्रोजेक्ट आया 48 एकड़ का प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर हाईवे की कनेक्टिविटी मिलती है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे और झज्जर मेरठ हाईवे की आपको कनेक्टिविटी पे प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये प्रॉपर गोदरेज ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट आया है, जिसके अंदर आपको दीनदयाल जनवास योजना के अंतर्गत के फ्री होल्ड प्लॉट्स मिलते हैं, स्टिल प्लस 3 की आपको प्रोविजन मिलती है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग आप लोगों के लिए डेली एनसीआर में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाते रहते हैं। आज उसी तरह हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम से आपको सोनीपत के अंदर प्लॉटिंग के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड कराई है। जैसे अगर हम लोकेशंस की या प्रोजेक्ट्स की बात कर ले, तो सोनीपत के अंदर बैंग ऑन दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे या मेरठ झज्जर हाईवे पे हमने आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई है। तो आज उसी तरह से हम लोग फिर सोनीपत के अंदर आ चुके हैं एंड ये जो हमारी वीडियो रहने वाली है, प्रॉपर साइट पे आपकी वीडियो बन रही है। प्रोजेक्ट की अगर हम बात कर ले प्रॉपर, आप देख सकते हैं गोदरेज ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट रहता है। अगर आप देख सकते हैं प्रॉपर, अब गोदरेज ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो बस अपने नाम से ही चलता है। इतना बड़ा रिनोन ग्रुप है, जो कि पिछले कुछ सालों से क्या इन्होंने इतने अच्छे लेवल के अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर अप करे हैं। तो आज सेम उसी की तरह इन्होंने अपनी इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेके आए हैं सोनीपत सेक्टर 34 के अंदर, जो कि बैंग ऑन, अगर मैं आपको बताऊं, नियर बाय आपको हाईवेज कनेक्टिविटी मिलती है। हाईवेज की अगर बात कर ले आपको, यहाँ पे आपको मेरठ झज्जर हाईवे देखने को मिलता है, साथ में आपको दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की कनेक्टिविटी मिलती है। अब ये जो बेसिकली हमारा आज का प्रोजेक्ट रहने वाला है, ये 48 एकड़ के अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट की अगर मैं आपको यहाँ पे बात कर ले, तो यहाँ हमारा जो प्रोजेक्ट रहता है ये प्रॉपर एक टाउनशिप रहती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप गेट देख सकते हैं, ये प्रॉपर हमारी यहाँ से आपको एंट्री देखने को मिलती है, ये पूरी मतलब। एंड अगर रोड्स की बात कर ले, तो प्रॉपर आपको 9 मीटर की रोड्स, इंटरनल रोड्स मिलती है, जो कि प्रॉपर एक अपने अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट पे अपनी टाउनशिप लेके आया है। ये जो बेसिकली हमारी टाउनशिप रहती है, 48 एकड़ के अंदर टाउनशिप है, जिसके अंदर आपको दीनदयाल जनवास योजना के अंतर्गत के प्लॉट्स मिलते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे प्लॉट्स की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको 120 गज से लेके 180 गज के प्लॉट्स मिलते हैं, बट जो अब हमारे इस टाउनशिप के अंदर अवेलेबिलिटी है, वो आपको 150 गज से 180 गज के प्लॉट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं अब हम पूरी इस टाउनशिप के अंदर आपको क्या मिलता है। इस टाउनशिप के अंदर आपको टॉप क्लास एंड लेवल की एमिनिटीज देखने को मिलती है। बेसिकली जो हमारी पूरी टाउनशिप आ रही है, 4 ब्लॉक्स के अंदर आ रही है। ब्लॉक्स की अगर मैं आपसे बात कर ले, तो हमारे यहाँ पे ऑर्चिड, मेडोस, विस्ता एंड ब्लॉसम, हमारे 4 ब्लॉक्स आ रहे हैं एंड चारों ब्लॉक्स एक अलग थीम पे बेस्ड जा रहे हैं, यानी कि हर ब्लॉक के अंदर आपको कुछ खास स्पेशलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप बात कर ले, एक ब्लॉक के अंदर आपको एमपी थिएटर देखने को मिलता है, तो दूसरे में आपको क्लब हाउस देखने को मिलता है, तो तीसरे में आपको कोई और एमिनिटीज देखने को मिलती है, यानी कि एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है ना। इस टाउनशिप की अगर एंट्री की बात कर ले, आपको 2 साइड से एंट्री देखने को मिलती है। एंड जो हमारा आज का सबसे बड़ा की फीचर है, सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप एक रेनोन बिल्डर के अंदर करते, तो इन फ्यूचर इस चीज की गारंटी है कि आपको अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, तो जो हमारे यहाँ पे प्राइसिंग रहते हैं, 83,000 से 95,000 के यहाँ पे प्राइसिंग रहते हैं, ऑल इंक्लूसिव, जो कि लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। बेसिकली जो हमारी पूरी टाउनशिप रहती है, ये आपको इंटरनली कनेक्टेड मिलती है, चारों ब्लॉक्स आपको इंटरनली कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे प्लॉट्स है, दीनदयाल जनवास योजना के अंतर्गत के प्लॉट्स है। प्लॉट्स की अगर मैं आपको बेसिक बताऊं कि क्या होती है ये योजना, इसके अंदर आपको स्टिल प्लस 3 की प्रोविजन मिलती है, साथ में अगर आप आज के डेट में प्लॉट लेते हैं, तो आपको इजी पेमेंट प्लान का ऑप्शन मिलता है एंड फ्री होल्ड हमारे प्लॉट्स रहते हैं, जिसके अंदर आप स्टिल प्लस 3 के एक प्रोविजन है, सेपरेट रजिस्ट्री आप फ्लोर वाइज करा सकते हैं, जो कि गुड़गांव के अंदर 180 गज से जितने भी नीचे के प्लॉट उसमें होते हैं, उसमें आपको अवेलेबल नहीं मिलता। तो इस चीज का यहाँ पे एक बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। फ्री होल्ड प्लॉट का मतलब कि यहाँ पे आपको बैंक लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल मिलेगी। अब इस लोकेशन की अगर हम सराउंडिंग में बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 2 हाईवेज आपको कनेक्टेड मिलते हैं, साथ में अगर इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, एलडीगो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सैफ्रॉन ग्रैंड, हीरो होम्स, तीनों प्रोजेक्ट्स ऐसे देखने को मिलते हैं। अगर आप एलडीगो का रेट की बात करें, तो 1,10,000 तक का रेट जाता है, बट यहाँ पे 83,000 से 95,000 ऑल इंक्लूसिव। एंड अगर आप सोसाइटी की रोड्स देखो, तो आपको बहुत सुंदर देखने को मिलती है एंड साफ सुथरी, फुली मेंटेन्ड। ये जो बेसिकली हमारी टाउनशिप आ रही है, ये प्रॉपर सोनीपत के अंदर आ रही है। अब मेन वीडियो के आते हैं, पेमेंट अगर आप आज करते हैं, तो आपको सेम डे आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं, साथ में अगर आपको एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए, तो आपको फरवरी 2025 तक हम टाइम अलॉट कराएंगे,
यानी कि आप 2025 के अंदर भी इसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। साथ में अगर आप आज पूरी पेमेंट करते हैं एंड आप नेक्स्ट डे ही रजिस्ट्री करवा सकते हैं एंड अपना अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बायर्स ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ पे अपनी साइट्स पे अपने प्लॉट्स बनाना स्टार्ट कर दिया स्टिल प्लस 3, यानी कि बहुत अच्छी चीज आपको रहती है। एंड इस चीज की गारंटी कि सोनीपत जैसी लोकेशन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिलती है। अब जो एक मेन रीजन आता है वाई सोनीपत, अब आप लोगों को पता होगा सोनीपत के अंदर मैक्सिमम बिल्डर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, अपनी नए नए टाउनशिप्स लेके आए हैं। ऐसा क्या रीजन है सोनीपत के अंदर डेवलपमेंट होने का? आप पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत अच्छे लेवल की डेवलपमेंट हुई है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि गुड़गांव और दिल्ली और नोएडा के रेट्स बहुत इंक्रीज हो चुके हैं एंड प्रॉपर अपने एक बूम पे आ चुके हैं। उसी सेम कॉन्सेप्ट पे सोनीपत चल चुका है प्रॉपर एक अपनी टाउनशिप के अंदर, जिसके अंदर आपको यहां से सोनीपत से दिल्ली की अगर कनेक्टिविटी की बात कर ले मात्र 20 मिनट की ड्राइव पे आपको दिल्ली की यहां से कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। साथ में जो एक सबसे बड़ा की फीचर है, यहां पे हमारी टॉप रेनोन्ड यूनिवर्सिटी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी भी आपको इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में देखने को मिलती है। अब एक जो आज की डेट में एक सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट चल रहा है कि गूगल का ऑफिस यहाँ पे आपका खुल चुका है, जिसके अंदर बिल्डर गूगल के साथ इन कोलैबोरेशन अनंतराज बिल्डर ने साथ में कोलैब करके गूगल के साथ अपना ऑफिस खोलने की क्रिया। साथ में महिंद्रा का यहाँ पे आपको प्लांट देखने को मिलता है, वंदे भारत जो भारत के ट्रेन के कुछ है उसका भी प्लांट यहाँ पे सेटअप हो चुका है, मारुति सुजुकी का ईवी प्लांट भी यहाँ पे सेटअप हो चुका है। एंड जो सबसे बड़ा एक चीज प्रपोज है, रिठाला का मेट्रो स्टेशन जो कि दिल्ली के अंदर रहता है वो यहाँ से आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है, जो उसकी लाइन एक्सटेंशन होनी है एंड उसका काम स्टार्ट हो चुका है। ऑटोमेटिकली ऐसी ऐसी जब सारे आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली इस चीज की गारंटी है, आज अगर आप 1 करोड़ भी इन्वेस्ट कर रहे हो साल दो साल में आपको 1.5 से लेकर 2 करोड़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो मैंने प्राइसिंग अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे उससे पहले जो हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स है 722 प्लॉट्स आपको अप्रॉक्सीमेटली इस टाउनशिप के अंदर मिलते हैं जो कि दीनदयाल जनवास योजना के प्लॉट्स है। प्राइसिंग 83,000 से 95,000 के बीच रहती है, जिसके अंदर आपको ऑल इंक्लूसिव रहता है। बाकी अगर आप चाहते हैं गोदरेज जैसे बिल्डर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है जिनका नाम ही काफी है एंड फ्यूचर में आप एक अच्छी खासी अपनी एप्रिसिएशन पा सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर भी अगर आप इन्वेस्ट करते तो आप इन्वेस्ट करें या एज अ सेल्फ एंड यूजर भी आप देखते तो आपको तब भी अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिलती है। बाकी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें अधिक जानकारी के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, हम लोग आप लोगों के लिए नए नए अपडेट्स लेके आते रहते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग आप लोगों को ऐसे किसी नए वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखें, बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा।